চালু করে দিয়েছি না, এটা ভালো আসছে, এটা কোয়ালিটিটা ভালো আসছে, নে না ওকে বন্ধ করে দে। এটা রবিশঙ্কর সিং টিম লিডার, মানে রাজেশ রোশন টিম মেম্বার, মানে অনুভব সিং টিম মেম্বার, মানে কৃষ্ণা বাদল চৌধুরী টিম মেম্বার, মানে বিএসএস রাও টিম মেম্বার, মানে শশিকান্ত তিওয়ারি টিম মেম্বার। इस प्रस्तुति को पेश करने से पहले मैं आप सबों के सामने हमारे पूज्य श्री रतन एन टाटा जी का एक कोट रखना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, येट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अवर टैलेंट। जहाँ भी हम लोग रहते हैं, जिस कार्य में भी लगे हुए हैं, वहाँ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर अपने आप को निखार सकते हैं, सुधार सकते हैं, अपने कंपनी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसी को धारणा को लेकर चलते हुए हम टाटा मोटर जमशेदपुर से आए हुए हैं, जहाँ हम कमर्शियल व्हीकल का उत्पादन करते हैं। यह हमारा टीम फैक्ट्री है, जिसके अंदर 1 से 50 का स्टेशन लगा हुआ है, जहाँ हम कार्य करते हैं और हमारे कैब पर टीमिंग करते हैं। यह हमारा टीम डिटेल्स है, हमारा टीम का नाम है थंडर, इसका जोन 2 न्यू टीमलैंड टीम फैक्ट्री से आए हुए, रजिस्ट्रेशन नंबर 13 है। हमने इस कार्य को करने के लिए टोटल 14 मीटिंग किया था, जिसमें अटेंडेंस 100% था और हमारा मीटिंग का टाइम 11 से 11:30 तक था, जो कि वीकली कभी भी एक दिन हम किया करते थे। छोटा छोटा सुधार ही अच्छी गुणवत्ता की ओर ले जाता है। इस प्रस्तुति को पेश करने से पहले मैं आपको एक सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि हम भारी वाहन का निर्माता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कभी भी बड़ी गाड़ी में चढ़ने जाते हैं तो आपका हमेशा 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, दोनों हाथ रेलिंग पे होना चाहिए, वरना अगर आप स्टीयरिंग को पकड़ के चढ़ते हैं और स्टीयरिंग अगर लॉक नहीं होता है तो आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। हमारी टीम वीकली में वन टाइम मीटिंग तो करती ही है, साथ में टीम बोर्ड अपडेट भी करती है और लोगों के साथ साझा भी करती है। इसके साथ में किसी स्टोरी करने के लिए 12 स्टोर पे होते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर आइडेंटिफाई क्लासिफाई प्रोसेस सिलेक्ट हैं एंड जस्टिफाई टाटा अंडरस्टैंड फोर्थ नंबर ग्रेट एक्सप्रेस के साथ फाइव नंबर एस्टेब्लिश एजेंट ऑब्जेक्टिव सिक्स नंबर ऑफ मेक अप लाइन सेवन नंबर चार्ज एनालिसिस एट नंबर ऑफ प्रपोज कॉन्फर्मेशन नाइन नंबर एग्रीमेंट कॉन्फर्मेशन टेन नंबर चेक रिजल्ट इलेवन नंबर एंड ट्वेल्व नंबर ऑफ फ्यूचर प्लान। क्वालिटी सर्कल करने से जुड़ा हुआ बहुत सारे तरह बेनिफिट है, जैसा कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एफिशिएंसी सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, इंप्रूव कंपनी परफॉर्मेंस, रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट, रिड्यूस वेस्टेज, एरर एंड इंक्रीज एक्यूरेसी। क्वालिटी सर्कल आखिर में हमने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिफेक्ट हर्ट और टॉके एंटीयर वॉल्यूम डिक्रीजिंग प्रेस हेंस एवरी टीम टू हमारी दूसरी स्टोरी का फर्स्ट टिप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मार्च 2022 में जब हमने एजेंसी वाइज डिफेक्ट्स को हिस्टोग्राम में प्लॉट किया तो हमारे लाइन से 425 डिफेक्ट टोटल निकलता है। आउट ऑफ दैट 234 हमारे प्रोसेस के डिफेक्ट्स थे, हमारे शेड्यूल के 101 डिफेक्ट्स थे और मिक्स शेड्यूल प्रोसेस के 80 डिफेक्ट्स थे और पार्ट रिलेटेड 10 डिफेक्ट्स। फर्दर हमने जब अपने प्रोसेस डिफेक्ट्स को एनालाइज किया पैरेटो में, तो पैरेटो में बार ग्राफ करके देखा तो पता चला कि हमारे लाइन से टॉप 10 डिफेक्ट्स जो आए थे कंट्रीब्यूटर जो थे टॉप 10 डिफेक्ट, उसमें से 63 जो थे फुट स्टेप माउंटिंग बोर्ड नॉट फिटेड के थे और चूंकि 29 जो हमारे डिफेक्ट हैं वो आरपीएम नॉट फिटेड के थे, वो इसलिए थे क्योंकि वो हमारी जोन में ही फिट होता था और हमारी जोन में ही फिट होता था और हमारे स्टेशन में उसका फिटमेंट होता था, हमने उसे क्यूसी स्टोरी में अरेस्ट करने के लिए रखा। हमारा जो प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं कि इसमें बिना ओआरपीएम कैप है, जो कि इसका जो एन सिक्स का जो हमारा जो नट इंसर्ट लगता था वो स्लिप हो जाता था और रीवर्क का कारण हमारे साथ क्वालिटी मार्केट में इसको फंस जाता था। हम अपने डिफाइन द प्रॉब्लम, हम अपने प्रॉब्लम को 4W1H मेथड से डिफाइन करते हैं। व्हाट ओआरपीएम नॉट फिटेड और लूज वेयर At station number 37, right. In the month of March 2022, who? Our Warden Fitment Quality Bar Inspector. How? Second topmost quarter division of contributor. हम लोग step 3 में process flow करते हैं. Process flow तो इस तरह से होता है कि हम पहले RPM के जो
ब्रैकेट असेंबली और ब्रैकेट है उसको बिन से लेकर कैप की तरफ जाते हैं। कैप में जाकर हम अपने डो से M6 पोर्ट में जो है उसे अलाइन करके उसको न्यूमेटिक नट रनर से टाइट करते हैं। उसके बाद फिर फ्रेम को क्या करते हैं, उस ब्रैकेट के ऊपर ले जाकर रबर वॉशर देकर उसको M8 पोर्ट से नट देकर टाइट करते हैं न्यूमेटिक नट रनर से। उसके बाद सेम यही क्रिया जो है हम दूसरी साइड भी डोर के दोहराते हैं। उसके बाद हम उसको खुद सेल्फ इंस्पेक्ट करते हैं कि और में फिट सही हुआ कि नहीं। प्रोसेस दो के बाद अब हमारा जो स्टेप फोर है वो है फास्ट एंड ऑफ द प्रॉब्लम। इस क्यूसी सर्कल को करने से पहले हमने लास्ट 8 साल का डेटा कलेक्ट किया जिसमें हमने देखा कि ये हर महीने ये डिफेक्ट कभी रिपोर्ट हुआ है और इसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट शॉट ऑफ के है वो 90% से नीचे रह रहा था। स्टेप 5 गोल सेटिंग। अब प्रोजेक्ट लेने के बाद अब हमें ये गोल तय करना था कि आखिर इस डिफेक्ट को हम कब तक एलिमिनेट करेंगे। तो ये क्योंकि और इसी समय हमने इस प्रोजेक्ट को लिया था तो हमारी टीम ने एक गोल तय किया कि जुलाई महीने तक इस डिफेक्ट को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है। स्टेप 6 से हमारा प्लान। गोल तय करने के बाद अब उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना था उसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया। जैसा कि आप देख सकते हैं अप्रैल महीने में हमने पहले डेटा को मॉनिटर किया फिर गोल इलेक्ट किया। मई के महीने में हमने जो भी आउटकम ऑब्जर्वेशन के टीम थे उसको नोट डाउन किया। अदर स्टेक होल्डर्स की भी जरूरत थी उनको भी साथ में इन्वॉल्व किया। जून के महीने में हमने 1/35 का ट्रायल किया और फिर मॉनिटर और एचडीसी किया। स्टेप 7 हमारा है परफॉर्मेंस एनालिसिस। जब हमने इसका 4D किया तो हमने देखा कि हमारे जो चारों पैरामीटर थे वो यस, इसलिए हमने इसका फर्दर फिशबोन डायग्राम एनालिसिस किया। फिशबोन डायग्राम एनालिसिस करने पर हमने देखा कि हमारे मेथड और मैन में कोई इशू नहीं था। हमारा जो 3 इशू निकल कर आया वो मटेरियल और मशीन में था। मटेरियल में हमने देखा कि अभी जो हमारा RBM है वो नट इंसर्ट पे माउंट हो रहा था और मशीन में हमने देखा कि वहाँ पे हमारा न्यूमेटिक मशीन यूज़ हो रहा था और जिसकी वजह से एयर लीकेज और पाइप पे स्ट्रेस भी पड़ रहा था। फर्दर हमने उसका गैम्बा वैलिडेशन किया जो टीम के द्वारा 3 प्रोबेबल आउटकम्स निकल कर आए थे उसके तीनों के रिजल्ट हमें नेगेटिव मिले। स्टेप 8 है प्रपोज काउंटर मेजर। इसमें जो 3 कॉज हम लोगों को मिला था, पहला था नट इंसर्ट माउंटिंग ऑन आउटर पैनल ऑफ द डोर। इसका सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला वेल नट विथ ब्रैकेट इनसाइड डोर इनर पैनल। और जो बैटरी मशीन हम लोगों ने प्रोवाइड किया उसको इसलिए किया क्योंकि हम लोगों के पास में न्यूमेटिक टॉर्क था जिससे हम लोगों का टॉर्क अनकंट्रोल होता था। दूसरा जो पाइप लीकेजेस हम लोगों को होता था उसको हम लोगों ने बैटरी टूल दे करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रपोजल दिया। स्टेप 9 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर मेजर जिसमें नट इंसर्ट माउंटिंग ऑफ आउटर पैनल ऑफ द डोर। इसका ये होने से हम लोगों का रेक्टिफिकेशन और डीवर्क का जो काम होता था वो होना बंद हो गया और अपने स्टेशन पे ही RPM लगकर आगे के स्टेशन को मिलने लगा। दूसरा ओवर और अंडर टाइटनिंग जो कि नट रनर के चलते होता था वहाँ हम लोगों ने 10 Nm का बैटरी मशीन प्रोवाइड किया। और दूसरा जो हमारे स्ट्रेच पड़ने से पाइप लीकेजेस और ऑपरेटर को जो प्रॉब्लम होता था वो नट रनर से जो बैटरी टूल देने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ये हमारे इंप्लीमेंटेशन ऑफ काउंटरमेजर है। जैसे बिफोर पिक्चर में आप देख सकते हैं पहले नट इंसर्ट से हमारा RPM माउंट होता था, अभी हमने क्या किया अंदर से रेनफोर्समेंट ब्रैकेट में एक ब्रैकेट रेडी कर दिया है। अभी हम इसे माउंट करते हैं और इस तरह का कंप्लेन हमारा नहीं आता। पहले हम न्यूमेटिक मशीन का यूज करते थे जहाँ पे अगर हमने शटर टूल दे दिया लेकिन पहले इस तरह से ऑपरेटर फटीक भी होता था और ऑपरेटर एयर लीकेजेस भी होते थे पाइप में जो अभी बैटरी मशीन देने से पूरी तरह से खत्म हो गया। एक रिजल्ट स्टेप नंबर 10 होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारा अगस्त 2021 में 33 बार से लेकर के मार्च तक 29 बार आया था, इस प्रॉब्लम को लेने के बाद से अप्रैल महीना के बाद मई जून में ये इफेक्ट कमते गया और जुलाई महीने में 0 हो गया। चेकिंग्स और बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं कि जो पहले हम लोग का RPM लग के लाइन से नहीं आता था जब से हमने वो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया रेनफोर्समेंट ब्रैकेट के साथ में तो हमारा RPM जो है लाइन से लग के आता है जिसके कारण जो हमारा रेक्टिफिकेशन में एक ऑपरेटर हमेशा लगे रहता था उस कार्य को करने के लिए वो आदमी अंदर चले गया और हमारा फर्स्ट आउट ऑफ परसेंटेज जो था लाइन का वो बढ़ गया। चेक रिजल्ट और बेनिफिट में टेंजेबल और इनटेंजेबल ये दोनों तरह के फायदे हमें हुए। इससे हमारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ, ऑन टाइम डिलीवरी मिला, मशीन का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हुआ और इंटेंजेबल बेनिफिट में बेटर क्वालिटी को कस्टमर मिला, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हुआ, टीम मोटिवेट हुआ, नो आइडिंग ऑफ न्यूमेटिक होल्स लीडिंग टू नो नियर मिस था। जो हमारा फील्ड कंप्लेन एक था जो हमारा RPM वाटर पैनल के साथ में फट जाता था सीट मेटल
सैनिटाइजर में आप देख सकते हैं हमने अपना डलवा है, जो हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन शीट होता है जो ऑपरेटर लोग को दिया जाता है, उसमें हमने अपना बैटरी टूल का जो 10 mm और 23 mm का बैटरी टूल दिया, उसको अपडेट किया। इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो टूल्स यूज किया है उसमें से एक फिशबोन डायग्राम है, दूसरा 4W1H है, तीसरा पैरेटो एनालिसिस है, और चौथा हमने गैम्बा ऑब्जर्वेशन किया था। टीम वर्क, हमारी कंपनी टाटा मोटर्स हमेशा से टीम वर्क पर बिलीव करती है और हमारी टीम इसी धारणा को लेकर चलती है, इसी धारणा के साथ कार्य करते हुए हमारी टीम ने इस ओआरबीएफ के डिफेक्ट को बहुत ही कम समय में दूर किया। लेकिन हम यहीं पर रुके नहीं, हमने एक गोल प्लान तय किया है, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एडोस ट्री। हमारी टीम ने विभिन्न मंचों पर जाकर अपने कृषि सर्कल को प्रस्तुत किया है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे डिपार्टमेंटल हेड और सी एच होने के समय हमने बहुत सारे मीटिंग को प्रस्तुत किए हैं। और इसी साल 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी टीम ने हमारे प्लांट हेड श्री विशाल बासा जी द्वारा पुरस्कृत भी हुए और सी एच ऑनर्स के साथ हमारे टीम को भी पुरस्कृत हो चुके। क्वालिटी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी संस्थान को हमेशा निरंतर आगे की ओर लेके जाती है, और इसी स्लोगन के साथ हम अपनी इस प्रस्तुत को समाप्त करते हैं कि क्वालिटी सर्किल है जहाँ सुरक्षा है।